The safety, honor, and welfare of your country comes first. Run! Your own ease and comfort will come last. You are charged with Indian Army Act Section 41, waging war against the king. रात दिन अपने सीने विच वजदी आजादी दे राग नू बंद कर ला। सब तो पहला मैं हिंदुस्तानी हाँ। नमस्कार आदाब शख्सियत में मैं समीना आप सबका खैर मकदम करती हूँ। आज की शख्सियत हैं कुछ ख़ास, उनकी कलम सितारों की रहगुजर से गुजरती है और तारीख के सफ़े पर अपने यादगार नक़ूश छोड़ जाती है, या यूं कहूँ कि सितारे उनकी चमक में समाना चाहते हैं मगर वो आँखें फलक को सितारा करती हैं। शख्सियत में आज मुलाकात कलम की दुनिया के एक बेहद अनमोल सितारे श्री यतीन्द्र मिश्रा से। शांत सौम्य राजसी विरासत के चराग, लेकिन कलम की दुनिया में बनाया एक अहम मकाम जो अपनी जहानत से रोशन सितारों की चमक से कराता रहा रूबरू। हम बात कर रहे हैं यतीन्द्र मिश्रा की। श्री बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा और श्रीमती ज्योत्सना मिश्रा के घर 12 अप्रैल 1977 को अयोध्या के राज परिवार में आपका जन्म हुआ। आप राज परिवार की 8वीं पीढ़ी के वंशज हैं। इस वंश के प्रमुख और यशस्वी महाराजाओं में श्री दर्शन सिंह, श्री मान सिंह और प्रताप नारायण सिंह ददवा महाराज के नाम आज तक लिए जाते हैं। आपकी प्रारंभिक शिक्षा फैजाबाद में हुई, फिर केंद्रीय विद्यालय और फिर एमए हिंदी साहित्य में आपने लखनऊ से किया। बहुत कम उम्र में ही कविता लिखने से शुरुआत हुई और देखते ही देखते यदा कदा नामक कविता संग्रह किताब घर प्रकाशन से आया, लेकिन कुछ नया और अलग करने की चाह गिरजा किताब के लिखने के माध्यम से हुई। संगीत पर किया गया ये अपनी तरह का एक अलग काम था। इसके बाद उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहेब और सुर सामरा की लता मंगेशकर की जिंदगी के अनछुए पहलू पर किताब आई तो वो नेशनल अवार्ड से सम्मानित की गई। पंडित विद्यानिवास मिश्र और वरिष्ठ कवि कुंवर नारायण समय समय पर आपका मार्गदर्शन करते रहे। Establish facts about their gharanas or their families or clans is just oral tradition and some good anecdotes they have. साथ ही निर्मल वर्मा से भी आप काफी प्रभावित रहे। कविताओं के साथ आपने कई किताबों को संपादित भी किया। हम सफर सिनेमा के 100 साला संगीतिक इतिहास पर उनकी एक अलग पहचान बनाती है। कला, साहित्य, कविता, संगीत, नृत्य और सिनेमा पर उनकी समीक्षाएं हिंदी व अंग्रेजी की जानी मानी पत्रिकाओं और अखबारों में छपती रही हैं। वो कई प्रतिष्ठित संस्थानों से भी जुड़े रहे हैं और कला साहित्य के क्षेत्र में अपना योगदान लगातार दे रहे हैं। इतनी स्कूल की पढ़ाई और कॉलेज की नहीं थी जितनी मैंने किताबें उसके बाहर पढ़ी। आपको आपकी कला साधना के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। बहुत बहुत स्वागत यतीन्द्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद समीना जी। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको अपने बीच देखकर, और सबसे पहले आपके परिवार के बारे में हम जरूर जानना चाहेंगे। अयोध्या के राज परिवार से आप आते हैं तो कुछ अपने परिवार के बारे में, अपने माँ बाबा के बारे में। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे अयोध्या में और एक राज परिवार में जन्म मिला, लेकिन मुझे ये लगता है कि राज परिवार की जिस तरह से नुमाइंदगी
समाज में, सिनेमा या मीडिया में कुछ दूसरे अर्थों में होती है, राज परिवार वैसे कतई नहीं होते। वहाँ पे भी उतना ही संस्कार, पढ़ाई लिखाई, कला प्रेम होता है, और ये मैंने महसूस किया है। मेरी ग्रैंड मदर थी राजकुमारी विमला देवी जी, जो आज़ाद भारत के समय तक राजकुमारी रही, मतलब 47 में वो थी जब उसके बाद देश आज़ाद हुआ और राज रियासतों का विलय हुआ। लेकिन मैंने कभी उनको ये नहीं पाया कि वो अदब और संस्कृति से दूर खड़ी हुई कोई महिला हो। और वही छाप मेरे परिवार में आई। मेरे पूर्वज मानसिंह दुजदेव जी, वो ब्रजभाषा में कविता लिखते थे। अच्छा। और दुजदेव के नाम से, उपनाम से उनका बहुत नाम था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में उनका जिक्र किया है। तो रीतिकाल के अंतिम रीति मुक्त कवि के रूप में उनको स्थान मिला है। तो एक ये बात है जो मुझे लगती है कि ये ज़्यादा बड़ी बात है कि आप एक ऐसे परिवार से हैं जिसमें आपके ग्रेट ग्रैंडफादर कवि हैं, या आपकी दादी हैं वो संगीत में डूबी हुई हैं। हमारे यहाँ बेगम अख्तर जी महफिलें करती थीं सन 37 से 45 के दौर में, वो जब आती थीं तो उनका एक रुतबा था, और वो उस समय अख्तरी बाई फैजाबादी कहलाती थी। मेरी दादी को भी उन्होंने कुछ सिखाया, लेकिन और उसी एक उनका एक अपना एक उनसे जुड़ाव और परंपरा रही। तो मैंने एक ऐसे परिवेश में सांस लिया है जहाँ पर बेगम अख्तर परिवार में एक सम्मानित गायिका के रूप में आती थी। घर के पिछवाड़े महल से सटा हुआ पागलदास जी की कुटिया थी, वो मृदंग बजाते थे। मेरे पिता की हमेशा नींदें खुली क्योंकि उनका कमरा की खिड़की पागलदास जी के बिल्कुल मुहाने तक जाती थी। तो हम मृदंग सुनते हुए बड़े हुए किशोर हुए। बेगम अख्तर की कहानियाँ घरों में बसी हुई थी, दुजदेव जी की कविता थी, और बाकी पूरा जो राम भक्ति साहित्य का एक परिवेश है अयोध्या में वो मिला। तो मैं एक ऐसे परिवार का नुमाइंदा हूँ, और बाकी एक लेखक के तौर पे पहचाना जाना और पसंद किया जाना मुझे अच्छा लगता है। आपकी दादी आपकी इंस्पिरेशन रही, जैसे कि आपकी बातचीत से मुझे पता लगा, और यकीनन दादी से कुछ जुड़ी हुई कुछ यादें हैं। गाना गाती रहती थी, भजने गाती थी, फिल्मों के गीत गाती थी, दादरा सोहर और कजरी गाती थी, और अक्सर गोदी में उनके मेरा बचपन बीता। तो बाद में किशोर होते हुए, तरुणाई आते हुए ये समझ में आया, जब फिल्मों के संगीत का भी शौक शुरू हुआ, कि ये तो जो भजन गाती थी वो दरअसल तो फिल्मी गीत भी हैं। कुछ बहुत सुंदर दादरे गाती थी, पता चला कि वो बेगम अख्तर ने कभी महफिल में किया था और उनको बताया था, तो उन्होंने उस तरह से सीखा हुआ है। तो एक ये दिमाग में था, एक परिवेश उस तरह से मिलता रहा। और ये बात मुझे बहुत पसंद है कि मेरे घर में विद्वानों का सम्मान होता था। मतलब कोई भी लेखक आता था, कोई भी बड़े, अगर किसी भी कला या संस्कृति या साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं, उनका अतिरिक्त एक इस्तकबाल होता था। मुझे हमेशा ये लगा कि जो धन का ऐश्वर्य है, जो धन का वैभव है, उससे कहीं बड़ा आपके अपनी कला और अपने ज्ञान का वैभव है, जिसके लिए कोई भी बड़ा आदमी झुकता है। साधारण आदमी झुकता है। और ये बात मुझे अपील करती थी, और वही दादी के मन में था। जब वो मृत्युशैया पे थी तो उन्होंने मुझसे ये वचन लिया कि बेटा कुछ ऐसा काम करना कि कलाकारों का, संगीतकारों का सम्मान हो सके, अपने घर में हो सके। उनके नाम पे फिर मैंने एक ट्रस्ट बनाया, विमला देवी फाउंडेशन, और संगीत के समारोह शुरू किए। तो एक ऐसे व्यक्ति के साथ आपका जुड़ाव, जो जाते जाते ये वचन ले रहा है, वो ये नहीं वचन ले रहा है कि बहुत पैसे कमाना या बहुत ऐसा कुछ करना, कुछ ऐसा करना कि घर खानदान का नाम हो, कला संस्कृति का नाम हो। और ये मुझे लगता है कि मेरे शहर की भी खूबी है। ये बैरागियों का शहर है अयोध्या। वहाँ पर बीतरागी, जो सब अपने दीन दुनिया से परे अपने मस्त मलंग रूप में मौजूद लोगों का शहर, तो कुछ शहर भी अपना प्रभाव छोड़ता है अध्यात्म से जुड़ा कुछ। तो मुझे लगता है कि कुछ अध्यात्म, कुछ सेवा का भाव, कुछ संगीत और कला का होना, और कुछ घर में लोगों का प्रबुद्ध होना। मेरे ग्रैंडफादर डॉक्टर रमेंद्र मोहन मिश्रा जी, वो डॉक्टर थे। तो एक ऐसे घर परिवार में, राजकुल में, जहाँ किसी भी दूसरे राज परिवार के पुत्र से मेरी दादी ब्याह सकती थी, वहाँ मेरे दादाजी से उनकी शादी हुई और वो डॉक्टर हैं। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि एक बड़ा मज़ेदार कॉम्बिनेशन था। एक ऐसा एक वो था कि जिसमें कुछ राज परिवार, कुछ प्रबुद्धता, कुछ पढ़ाई लिखाई, ये सब मिल गया। श्री रामकृष्ण पांडे जी ने आपकी जिंदगी को नए मायने दिए जी, कैसे याद करना चाहेंगे उन्हें? मेरे गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं। और आध्यात्मिक धार्मिक रूप में नहीं, आध्यात्मिक शुद्ध अर्थों में, आध्यात्मिक रूप में, कि वो जब मैं कविताएं लिखता था, और उस समय मुझे पता नहीं क्यों लगता था कि मैं डॉक्टर बनूं, क्योंकि फैमिली में डॉक्टरों की परंपरा रही। मेरे पिता का भी बहुत मन था कि मैं डॉक्टर बनूं, तो मेरी कविताएं देखते थे, फिर वो कुछ जनपत्री भी देखते थे, तो वो सब तो उनका अपना एक था। लेकिन एक दिन उन्होंने कहा कि तुम बहुत अच्छे लेखक बन सकते हो, तुम्हें रचनात्मक होना चाहिए।
तो मैंने कहा मैं क्या करूँगा, मैं इस घर में इकलौता हूँ और मुझे कुछ करके दिखाना है। और तुम एक ऐसे परिवार में जन्मे हो जहाँ तुम्हें तुरंत आसन्न संकट नहीं है कि तुम्हें जाके रोजगार तलाशना है। तो अगर तुम ब्लेस्ड हो तो तुम्हें रिस्क लेना चाहिए, और अगर तुम नहीं ले सकते हो तो फिर उन घरों के बच्चों का क्या होगा जिनमें तो टैलेंट होता है लेकिन वो कर नहीं सकते। बहुत गहरी बात। तो तुम अगर टैलेंटेड होते हुए भी तुम अगर कुछ और पैसे कमाने के चक्कर में हो तो तुम गलत राह पे हो। तो एक तरह से उन्होंने मेरा मानस बदला और मैं कला संस्कृति की ओर आया, और सारी चीज़ों को, छोटी से छोटी चीज़ को जीवन के सम्मान और गरिमा से देखने की ताकत उन्होंने दी। मुझे बताइए, 20 साल की उम्र में आपका कविता संग्रह आता है, कैसे आपके दिल और दिमाग में जन्म लेती है? मुझे लगता है पहला कविता संग्रह तो जीवन से हटा देना चाहिए, क्योंकि वो अक्सर बहुत बचकाना या बहुत वैसा होता है। कोशिश तो होती है, लेकिन वो कोशिश होती है, वो एक स्पार्क होता है। यदा कदा मेरा ऐसा ही संग्रह रहा और किताब घर ने छापा सत्यव्रत शर्मा जी ने, मैं बहुत यंग था, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी, लेकिन मेरे पारिवारिक मित्र थे हिमांशु जोशी जी, लेखक हैं, पिताजी के दोस्त, और उनके रिकमेंडेशन पे वो किताब छपी। मेरी एक हैसियत नहीं थी कि मैं मेरी कविताएं इस तरह से आएँ। हिमांशु जी ने उनको पत्र लिखा और उन्होंने छाप दिया, लेकिन जब वो किताब संग्रह छप के आया मेरे हाथ में तो मैं बहुत खुश था, और विद्या निवास जी ने उसकी भूमिका लिखी और उसका लोकार्पण हुआ। आज सिर्फ एक ही सार्थकता उस किताब की मानता हूँ कि जब वो पुस्तक आई तो उस समय मेरी दादी जीवित थी और उसके लोकार्पण में रह सकी, क्योंकि उसके बाद उनको कैंसर हुआ और वो नहीं रही। गिरिजा किताब, मतलब मेरे ख्याल से वो आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट रहा जी। गिरिजा जी ही को क्यों चुना? बस ऐसे ही, बनारस बहुत जाना होता था, विद्या निवास जी से बहुत प्यारे संबंध थे, और मालिनी अवस्थी जी और अवनीश अवस्थी जी से, उस समय अवनीश जी कलेक्टर थे वहाँ, तो बहुत पारिवारिक मित्रता थी, आना जाना था। अप्पा जी के पास गया मैं एक बार, नवरात्र में बैठी थी, सफ़ेद साड़ी पहने हुए और बाल खुले हुए और सफ़ेद टीका लगा हुआ, तो बहुत सरस्वती की अवधारणा सुन रखी थी, तो मुझे लगा कि इतनी सुरीली और इतनी शानदार सरस्वती अगर अपने इस रूप में होंगी तो ऐसे ही होंगी जैसे अप्पा जी बैठी हुई हैं। और वो बैठ के गाना सुनाती थी मालिनी जी को और सबको, एक सांवरिया प्यारा रे मोरी गुइयां एक दादरा सिखा रही थी, तो बड़े सुंदर ढंग से तान ले रही हैं वो। अब उसमें सुनंदा शर्मा है, उनकी शिष्या जो आज बहुत मशहूर है मालिनी जी, तो मालिनी जी ने कुछ कहा होगा गाते समय, उत्तर समय मुझे तमीज़ भी नहीं थी, तो उन्होंने कहा अरे मालिनी ऐसे नहीं गाओ, थोड़ा सा प्यार से गाओ, ऐसे तुम तो ऐसे गा रही हो जैसे चंडी गा रही है, तो हर तो साहब कलेक्टर हैं तो थोड़ा प्यार से समझाओ। तो इस तरह से एक एक बानगी, एक एक क्राफ्ट, एक एक फिलिग्री को वो क्रिएट कर रही थी, उस चीज़ें मुझे भा गई। तो मुझे लगा संगीत सिर्फ ये नहीं है जो हम सुनते हैं, संगीत बनाया भी जाता है, रचा जाता है, ये जो प्रोसेस ऑफ जर्नी है इसको लिखना चाहिए। बिल्कुल। और मैंने उनसे एक निवेदन किया, मान गई, उन्होंने कहा तू का लिखवो बचवा, हमने कहा जो लिख पाएंगे लिखेंगे, वो बनारसी ऐसे बोलती थी। ऐसे में मैंने हिम्मत की डरते डरते, लेकिन उस किताब के लिए मैं इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ, और ये मैंने सीखा कि बड़े लोग कैसे आपकी मदद करते हैं। निर्मल वर्मा जी थे, उनसे बड़ी आत्मीयता थी, तो उन्होंने एक दो उसके बंद सुने किताब के, प्रोज के, तो उन्होंने कहा बेटा इसको पूरा करो, अब कौन पब्लिशर होगा जो छापेगा आपकी किताब, क्या करेगा। उन्होंने और गगन जी ने, उनकी पत्नी, दोनों ने मिलकर जिद करके मुझसे किताब लिखवाई, इसका पूरा उल्लेख है किताब में। फिर मैंने जब उनको स्क्रिप्ट दी फाइनल देखने के लिए, तो उन्होंने अपने मन से उसकी भूमिका लिख दी, और आज भी मैं गिरजा पुस्तक की भूमिका को गिरजा किताब से बेहतर मानता हूँ, जो कि है। फिर उसके बाद वाणी प्रकाशन ने उसे छापा, और एक बिल्कुल दिन रातों रात मेरी एक पहचान होने लगी कि यतीन्द्र हैं कोई। फिर वर्ष भर बाद कुंवर नारायण जी ने अंग्रेजी प्रकाशक से उसका जिक्र किया, और फिर उसका अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित हुआ। सुर की जो बारादरी है, सुर की बारादरी, CBSE कोर्स में भी बाकायदा उसके कुछ अंश, उस्ताद बिस्मिल्ला खान तो मतलब अपने आप में एक कहेंगे ना, एक पूरी एक चैप्टर है। तो उनके साथ का जो गुजरा हुआ वक्त रहा वो कैसा रहा? वो बहुत सुंदर रहा। मुझे बस यही लगता है कि वो एक संस्था थे। बिस्मिल्ला खान साहब को सुनते हुए ये समझा जा सकता है कि पूर्वज समयों में अगर फयाज़ खान साहब रहे, अमीर खान साहब रहे, या तमाम बड़े लोग रहे, देवी पलुस्कर रहे, अपने टैगोर रहे, तो वो क्या बड़ी शख्सियत रहे होंगे, क्योंकि खान साहब की हर एक्ट में, बात करने के लहजे में, आपको मिठाई खिलाने के बाद लहजे में, आपको असीसने के लहजे में, आपसे सवाल करने के सेंस में कि कैसे हो, पिताजी कैसे हैं, परिवार कैसा है, कि जब आप बिस्मिल्ला खान से मिलते हैं तो आपको लगता है कि ईश्वर ऐसे भी मौजूद हो सकता है, ईश्वर ऐसे भी आपको ब्लेसिंग दे सकता है।
उस किताब ने बहुत ख्याति पाई, मतलब उसके कई संस्करण निकले। पेंगुइन ने छापा था, फिर उसको दिल्ली बोर्ड ने अपने कोर्स में लिया, बिहार बोर्ड ने अपने कोर्स में लिया। कोई किस्सा अगर आप बताएं। मैंने उनसे एक बार पूछा कि आप कभी ज़्यादातर आप विदेश नहीं जाते हैं और सब करते हैं, तो कभी अयोध्या पधारें? तो कहा आप जरूर आएंगे बरखुरदार, लेकिन ये तय करो कि हम आएंगे तो सब लोग अमन चैन से रहें। तो मैंने कहा ये तो बड़ी बात कह रहे हैं आप, अमन चैन होना ही चाहिए। बोले सबको संगीत सिखाओ, अरे अगर कोई बेसुरा छूट गया तब तो झगड़े फसाद होंगे, अगर सुरीले हो गए तो झगड़े फसाद नहीं होंगे। क्या बात है। तो इस तरह की कई चीज़ें उनके साथ जुड़ी रहीं। किसी भी कलाकार के बारे में, उनके समकालीन कलाकारों के बारे में अगर मैंने जिक्र किया, तो मैंने दो लोगों को पाया, एक लता जी को और एक खां साहब को। मैंने लता जी से कहा कि आप बहुत महान हैं, तो उन्होंने कहा एक मिनट रुकिए, मुझसे पहले केएल सहगल, अमीर बाई कर्नाटकी, जोहरा बाई अम्बाला वाली, राजकुमारी, मुकेश भैया, रफ़ी साहब और शमशाद बेगम महान है, उसके बाद मेरा नाम लीजिए। ये परंपरा गिना दी। उन्होंने कहा मेरा नाम जब लीजिए तो इनके बाद लीजिए। तो ये बात, ऐसे हैं बड़े लोग, ऐसे हैं बड़े लोग। आपके कुछ अपने हैं यतेंद्र जी, जिन्होंने आपके आज तक के सफ़र को देखा है, हम चाहेंगे कि आप उन्हें देखें और फिर अपनी राय ज़रूर दें। आइए देखते हैं। जरूर। मोहित यानी यतेंद्र मिश्रा, मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हो रही है, क्योंकि तुम्हारी लगन, तुम्हारी परिश्रम, तुम्हारी पूरी कला यात्रा का संघर्ष, ये सब या तो तुम्हारे परिवार ने देखा है या शायद मैं कह सकती हूँ मैं भी साक्षी रही हूँ। तुम जिस प्रकार का लिखते हो वो वही लिख सकता है जो संगीत का स्वयं अद्भुत जानकार हो, और कम लोग ये जानते हैं कि शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत और लोक संगीत तीनों ही पक्षों की तुमको अद्भुत जानकारी है। शायद इसी कारण से तुम वैसा लिख पाए जैसा तुमने लिखा, वरना लता दी हों, चाहे अप्पा जी हों या सोनल मानसिंह जी या बिस्मिल्ला खान साहब, सबकी जो कृतित्व है उसके साथ न्याय करना आसान नहीं। ये तुम्हारी लेखनी, उसके पीछे तुम्हारा गहरा अध्ययन तो बोलता है, लेकिन साथ ही साथ संगीत जो तुमने आत्मसात कर रखा है वो बोलता है। अपने आप में स्वयं एक मिसाल बनने के लिए बहुत सारी बधाई। तो मैं अयोध्या का आशीर्वाद लगे परिवार का, मेरी ओर से ढेरों आशीर्वाद, और अभी तो ये बस शुरुआत है, बहुत आगे तक जाना है, ये यात्रा यूँ ही चलती रहे। हमारे यतेंद्र जी में बड़ी विशेषता है, वो ये कि वो इतनी आत्मीयता से, इतने प्यार से लोगों से बातचीत करते हैं कि कलाकार विशेष रूप से उनके सामने खुलकर पूरा अपना जीवन, अपनी जीवन कथा रख देते हैं, और शायद इसीलिए उन्होंने इतनी सारी पुस्तकें जो लिखी हैं वो बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों के विषय में हैं, चाहे वो हमारे अप्पा जी श्रीमती गिरजा देवी जी के विषय में हो या फिर लता जी, आदरणीय लता जी के विषय में हो। लेकिन आम आदमी ऐसे दिग्गज कलाकारों के पास जाए और कहे, उनसे प्रश्न करे, उनसे पूछे कि आपने ये कैसे सीखा, वो कैसे किया, तो शायद बड़े कलाकारों के पास ना तो समय रहे ना उनकी इच्छा हो कि इतनी बातचीत करें। यतेंद्र जी, आपने मुझे बड़ी बहन माना है, सम्मान दिया है बड़ी बहन वाला, तो मैं आपको बहुत बहुत शुभेच्छा देती हूँ। क्या कहना चाहेंगे? अब मैं क्या कह सकता हूँ, शुभा जी को प्रणाम करता हूँ, बड़ी बहन है, उतनी ही बड़ी कलाकार हैं। माननी भाभी, उनसे मेरा रिश्ता ऐसा है कि वो मेरे पिता को राखी बांधती हैं, तो एक रिश्ते से बुआ हुई। लेकिन हमारा शुरू में जब गिरजा देवी की किताब आई अप्पा जी की, तो उस समय से एक ऐसा भाभी देवर का रिश्ता बन गया कि मैंने उनको कहा कि आप बुआ के रूप में तो समादृत हैं, लेकिन मैं कहूँगा भाभी, और हमारा रिश्ता देवर भाभी का रहेगा। तो उसी रिश्ते को हम लोग निभाते हैं। लता जी की किताब जब मैंने तैयार की, तो मैंने पूरा संगीत पक्ष पढ़ने के लिए शुभा जी को दिया। अच्छा। और मैंने कहा इसे पढ़ लें और ये बता दें कि कहीं कोई गलती हो रही है, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहा हूँ, तो मैं उसको चेक करूँ। और उन्होंने अपने पास रखा और बड़ी उदारता से पढ़े और सजेशंस दिए, किताब में इस बात का जिक्र आया है। तो ये मेरी पूंजी है, और मुझे लगता है कि मैंने संगीत में रह के, संगीत और सिनेमा के लिए जो काम किए हैं उसमें रह के जो कुछ भी पाया है, उससे कहीं बड़ा काम ये किया है कि ऐसे दोस्तों का, ये मैं हिमाकत कर रहा हूँ दोस्त कहने की, ऐसे प्रबुद्ध जनों की एक छत्र छाया मिली है, उनका सानिध्य मिला है, उनके साथ आपने इतना वक्त गुजारा, ये अपने आप में एक सबसे बड़ा खजाना है। मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी, सोनल मानसिंह जी पर भी आपकी
पुस्तक आई और वो बहुत सराही गई, बहुत पसंद किया गया। उसमें कुछ ऐसे अनछुए पहलू थे जो अब तक के लोग जानते ही नहीं थे। तो ये साहस अपने आप में कर पाना एक बहुत बड़ा साहस कहा जाएगा। कई बार कई बार क्या होता है कि किसी बड़े कलाकार के साथ भी बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। जैसे लता जी के लिए लोग, जब मैं सब किताब करता था तो लोग कहते थे आप लता जी से बात कर रहे हैं, वो कर रही हैं। मैंने कहा वो बहुत सहजता और प्यार से बात करती हैं, वो इतना आशीर्वाद देती हैं कि मैं गड़ जाता हूँ शर्म से कि दीदी कैसे इतनी उदारता उनके अंदर समाई हुई है। सोनल जी के साथ भी मैंने यही महसूस किया, इतने मज़ेदार ढंग से किताब हुई। और जैसे मैंने शुरू किया और उनकी बातें शुरू हुई, एक सवाल मैं करता था और वो सवाल तो चाहे एकांगी हो या एक, लेकिन उसमें इतने मल्टी लेयर्ड आंसर आते थे, इतने रेफरेंसेज होते थे कि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। उस दौरान मैंने बहुत सारा शास्त्र पढ़ा, बहुत सारे संस्कृत के ग्रंथ पढ़े और वो बात खिलती गई। सोनल जी की अपनी जो एक अवधारणा है, एक कला विदुषी नृत्यांगना के रूप में वो हैं, तो उनकी सुरुचि उनके घर से लेके उनके खाने की मेज तक पे दिखाई देती है। अगर खाने की मेज सजी हुई है और गुजराती ढंग का खाना सजा हुआ है तो वो सजावट देख के आप कह सकते हैं कि किसी बड़ी नृत्यांगना के घर में खाना खाने बैठे हैं। उसकी सजावट, उसकी वानगी, उसकी बनक, उसका ठसका ऐसा होता है। अरे वाह। तो ये जो एक परफेक्ट नोट पे, हाँ, ये चीज़ मुझे बहुत अपील करती थी और उतनी ही मज़ेदार, उतनी ही सहृदय। तो बहुत अच्छे ढंग से काम हुआ। देवप्रिया लिखने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मैंने कोई एक ऐसी किताब लिखी है जिसमें मैंने मेहनत की है और नृत्य के लिए मैं कुछ संयोजित कर पाया। बेबाक ढंग से सुनल जी ने पूरी किताब लिखवाई और ये मैं मतलब अपा जी के लिए, ये मैं लता जी के लिए, ये मैं सुनल जी के लिए कहूँगा, क्योंकि बिस्मिल्लाह खान साहब तो नहीं थे जब मैंने किताब पूरी की, लेकिन इन तीनों शख्सियतों ने मुझे कभी कोई रेड पेन नहीं लगाया मेरे स्क्रिप्ट में। आपके कुछ और अपने हैं जिन्होंने अपनी राय दी, हम चाहेंगे आप उन्हें भी देखें और फिर अपनी राय हमें जरूर दें। मैं यतीन्द्र को डॉक्टर बनाना चाहता था। मेरे पिता मेडिकल डॉक्टर थे तो मैं चाहता था ये मेडिकल प्रोफेशन में आए। इन्होंने बीएससी तक मोर देन 80% से पास किया। इसके बाद इनका रुझान मैंने हमेशा देखा साहित्य की तरफ और म्यूजिक के प्रति ज़्यादा था। तो एक दिन इन्होंने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता, मैं लेखक बनना चाहता हूँ। मैंने कहा कुछ लिखा है? तो इन्होंने एक मंच दिया मुझे, मैंने उसे पंडित विद्या निवास मिश्री के पास भेजा तो उन्होंने कहा कि जो है इसको, इस पार्क है लड़के को रोको मत। तो मैंने यतीन से कहा मैं 2 महीने का समय, 2 साल का तुम्हें समय देता हूँ, 2 साल में अपने को प्रूफ करके दिखाओ, अदरवाइज जो मैं चाहूँगा वो तुम्हें करना। 2 साल के अंदर इसकी जो है 19 साल की अवस्था में किताब आ गई यदा कदा, और उसके बाद आज इस स्थिति में पहुंच गया है कि जो है उसे नेशनल अवार्ड मिला। इसकी रुझान को देखते हुए मैंने इसे मना नहीं किया और कहा कि जो तुम्हारी इच्छा हो करो। यतीन्द्र कवि के अलावा संगीत और सिनेमा के गंभीर अध्येता हैं। जो विस्मय है, जो अव्यक्त है, उसका बखान करने की उनमें अद्भुत क्षमता है। संवेदनशील और भावुक कवि हैं। उनकी कविता उनकी रचनात्मकता का तो हिस्सा है ही है, वह हमें संगीत के एक सम्मोहक संसार में भी ले जाती है जहाँ लय है, ताल है, सुर है, राग है। मुझे कभी कभी लगता है कि केवल साहित्य और संगीत में ही ऐसा नहीं है यतीन्द्र के जीवन में भी लय, ताल और सुर है जो अक्सर हमें दिखाई देता है। आप देखें गिरजा देवी के गायन से लेकर गुलजार साहब की शायरी तक, बिस्मिल्लाह खान की शहनाई से लेके लता जी की सुर गाथा तक, मैं यतीन्द्र की शब्द यात्रा का पाठक के नाते साक्षी रहा हूँ। यतीन्द्र संभावनाओं से भरे हैं। मैं उनके आने वाले साहित्य के प्रति अनेक मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ, क्योंकि यतीन्द्र का श्रेष्ठतम अभी आना है। यतीन्द्र का व्यक्तित्व तो बड़ा मोहक है। इतनी छोटी सी उम्र में साहित्य, संस्कृति, कला, इन सब क्षेत्रों के लोगों से जुड़े इतने संस्मरण याद रखना और उसको इतने रोचक तरीके से अपने साथियों के साथ बांटना, यतीन्द्र मुझे लगता है कि आप अगर किस्सा गोई भी करना शुरू कर दें तो उसमें भी आप अपना करियर काफ़ी आगे ले जा सकते हैं। लेखक के तौर पर बहुत आगे जाता हुआ देखता हूँ। जिस फील्ड में आपने अपनी को मोड़ा है, जो संस्कृति का क्षेत्र है जिसमें कला, संगीत और विरासत को सहेजने की जिस तरह से आप कोशिश कर रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।
आप लगातार आगे बढ़िए और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार तो अभी शुरुआत है, कई पुरस्कार आपको मिलने शेष हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं यतीन्द्र आपको। मैं अपने पिता के लिए क्या कहूँ, जब मेरा पहला संग्रह प्रकाशित हुआ तो पापा के मित्र भी हैं और बड़े कवि हैं हिंदी के, लीलाधर जगूड़ी जी, तो उन्होंने कहा, अपने वक्तव्य में कहा, कहा बाकी सब तो ठीक है लेकिन मैं उस पिता को प्रणाम करना चाहता हूँ जो अपने बेटे को कवि बनता देख खुश हो रहा है, क्योंकि कवि होना तो समाज की सबसे एक ऐसी निर्मम सच्चाई, एक इस तरह की चीज़ है कि जिसमें समाज को दूसरे ढंग से देखता कि अच्छा आप कविता करते हैं और क्या करते हैं, तो आप गज़ल कहते हैं, अच्छा और क्या करते हैं इसके अलावा, तो एक फुल टाइम एक लेखक के बतौर जीना और उसके उस सारे जीवन की स्वायत्तता को स्वीकार करते हुए जीना और उस पर पिता खुश हों, ये बड़ी बात है। तो ये मैं इसके बाद के लिए बहुत सौभाग्यशाली हूँ। हेमंत शर्मा जी मेरे बड़े भाई हैं, बड़े आदरणीय पत्रकार हैं और पारिवारिक मित्र हैं, वो इतने प्यार से मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और मेरे बारे में बोल रहे हैं, मैं क्या बोलूँ, सिर्फ आभार व्यक्त कर सकता हूँ। अनंत जी मेरे मित्र हैं और हमारी मित्रता बहुत पुरानी है, बहुत अच्छे दोस्त हैं। भाग्यवान होते हैं ऐसे लोग जिन्हें इतने अच्छे दोस्त मिलते हैं। विमला देवी फाउंडेशन, उसके जरिए आप क्या कुछ प्रयास कर रहे हैं? मुझे लगता है कि अयोध्या से एक समन्वय की संस्कृति और एक संगीत और साहित्य के बहाने हम एक ज़्यादा बड़ा एक मंच बना सकें और लोगों को अयोध्या ले जा सकें और वहाँ से एक संदेश जाए संगीत का और साहित्य का। और सन 2000 से शुरू हुआ तो 17-18 साल की एक यात्रा हो गई है। क्या बात है। और मुझे लगता है कि छोटे छोटे जगहों पे जो मैंने काम किए, BBC में काम किया, प्रसार भारती, डीडी भारती के लिए काम किया, हर जगह वही प्रेरणा काम करती रही। और मुझे ये लगता है कि मैं उस परंपरा से आता हूँ जहाँ पे आज मुझे अप्पा जी गाइड कर रही हैं और कभी मेरी दादी को बेगम अक्सर गाइड करती थी, तो एक वो लिंक बना लिंक हुआ, एक वो चेन बनी हुई है। पागलदास जी रहते थे, आते थे, तो उस परंपरा का खैर मकदम जरूरी है। और बाकी मैं अपने शब्दों से राहत दे पाऊँ, अपने शब्दों से वो सारी संस्कृति की चीज़ें सहेज पाऊँ जो अब छिजती जा रही हैं, मेरी सबसे बड़ी चुनौती है। एक यतीन्द्र मिश्र काफ़ी नहीं है, कई यतीन्द्र मिश्र चाहिए ऐसे काम के लिए। चलते चलते आपकी पसंद का एक गीत जो आप मेरी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें। संगीत की बात जब भी आप करेंगी तो मेरे लिए तो सारी शास्त्रीयता, सिनेमा सब में सबसे पहला नाम लता जी का उभरता है और मुझे लगता है कि उनके प्रेम में मैं ऐसा आकंठ डूबा हूँ और हमारे बीच में जो उम्र का फासला है वो कहीं दादी पोते के रिश्ते की तरह ही है। कई बार लता जी में अपनी दादी की छवि देखता हूँ। और उनका एक बहुत सुंदर गीत है परख का, मिला है किसी का झुमका, मिला है किसी का झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, ओ सच्चे मोती वाला झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, सुनो क्या कहता हमारी और राज्यसभा टीवी की ओर से आपको ढेरों शुभकामनाएं। आज आप शख्सियत में तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शख्सियत में आज फिलहाल इतना ही, ऐसे ही ताबिंदा सितारों का सिलसिला शख्सियत में जारी रहेगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार, आदाब।